हाय नमस्ते, आप सभी का स्वास्थ्य सफरी कला चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या वीडियोस पहले से देखते हो पर नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि हमारे फूड रिलेटेड वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और आगे जाके आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें। तो चलते हैं आज की रेसिपी की ओर, पर उससे पहले बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं, तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग, यमी और डिलीशियस। तो आज हम बनाने वाले हैं सुहाना गुलाब जाम मिक्स से गुलाब जाम बनाने वाले हैं। तो ये स्वीट गुलाब जाम हमने बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है 150 ml ऑफ मिल्क में हमें सुहाना मिक्स कर लेना है, उसके बाद उसे फ्राई करना है और उसे शुगर सिरप के अंदर डालना है। तो वो मिक्स करने में 150 ml ऑफ वाटर या मिल्क आप ले सकते हैं, मैं मिल्क में करने वाली हूँ। तो ये 3-step रेसिपी है, जस्ट ऐड वाटर एंड यू आर डन। सो हम शुरू करते हैं। पहले हम ये पैकेट खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या हमें दिया है। तो ये पैकेट के अंदर हमें एक सिल्वर पाउच मिला था, तो इसमें हमारा गुलाब जाम मिक्स होगा शायद। तो ये मैं ओपन करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर ये मैंने गुलाब जाम मिक्स का पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर हमें 150 ml ऑफ वाटर या मिल्क डालना है, मैं मिल्क डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मेजरिंग कप से 150 ml ऑफ मिल्क ले लिया है। अब इसे मैं मिक्सचर में डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे उन्होंने लिखा है 2-3 स्टेप्स में से डालना है, एक ही बार में पूरा नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके इसमें डाल रही हूँ। पहला थोड़ा सा डाला, इसके बाद थोड़ा और डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तब तक आप यहाँ तक आए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। तो अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है और ये पकड़ में भी आ रहा है। मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से पका लिया था, पका नहीं ऐसे मिक्स कर लिया था। अब मैं इसके राउंड बॉल्स बना लेती हूँ। इन्होंने कहा है हमें हाथ पे घी लगाना है, उसके बाद इसके राउंड बॉल्स करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले हाथ पे थोड़ा सा घी लगाया है और छोटे छोटे बॉल्स बनाना शुरू कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहला बॉल बनाना शुरू कर लिया है। ये एकदम फोल्डेबल था आटा, अच्छे से बॉल्स बना लेने हैं। इसमें ये जो बॉल्स है, जो गोले है, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, प्लेन होने चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसलिए मैंने ये पूरे तरीके से अच्छे से गोले बना लिए हैं। 40 गोले इसके बनते हैं। अब हम शुगर सिरप बनाने के लिए 600 ml ऑफ शुगर और 600 ml ऑफ पानी लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम शुगर सिरप करने वाली हूँ, इसलिए मैंने 500 ml ऑफ पानी और 500 grams ऑफ शुगर ली है और इसे अच्छे से बॉईल कर ले ही हूँ। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूँगी और इसके अंदर थोड़ा सा सैफ्रॉन डालूँगी फ्लेवर के लिए। इसे अच्छे से बॉईल होने दे। बॉईल होने के बाद 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे रखना है। तो यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर डाल दी है और केसर डाल दिया है और इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाऊंगी। तो आप देखते हैं हमारा शुगर सिरप अच्छे से पक के रेडी हो गया है। इसे हमें वार्म ही रखना है जब हम गुलाब जाम इसके अंदर डालेंगे फ्राई किए हुए। तो ये आप देख सकते हैं मेरे 40 गुलाब जाम अच्छे से आराम से बन गए हैं। अब मैं पैन लूँगी, पैन के अंदर कढ़ाई लूँगी, कढ़ाई के अंदर मैं घी डाल रही हूँ और घी को अच्छे से गर्म होने दे। घी अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें छोटा सा बॉल डाल के देखिए ये गर्म हुआ है कि नहीं। एक बार अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर गुलाब जाम्स के जो बॉल हमने बनाए हैं वो डालें और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे गोल्डनिश ब्राउन होने तक पका लें। तब तक आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो पसंद तो ज़रूर से आया है तो लाइक करना मत भूलें और फ्रेंड्स से और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो आप देख सकते हैं गुलाब जाम अच्छे से हमारे गोल्डनिश ब्राउन हो रहे हैं। एक बार अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन हो जाए तो हम इसे शुगर सिरप में डाल देंगे। तो आप मेरी तंदूरी चाय की रेसिपी भी देख सकते हैं, उसमें तंदूरी फ्लेवर की बढ़िया चाय मैंने बनाई है, वो आई बटन के क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारे गोल्डनिश ब्राउन गुलाब जाम रेडी हो गए हैं। इसे मैं शुगर सिरप में डाल रही हूँ। शुगर सिरप हमारा वार्म चाहिए, ठंडा नहीं चाहिए, ना ही गर्म चाहिए, वार्म चाहिए। अब ये हमारे गुलाब जाम मैंने 10-15 मिनट तक शुगर सिरप में रखे थे, ये अंदर से अच्छे से इसके अंदर शुगर सिरप गया है
और ऊपर से गोल्डनिश ब्राउन कलर भी अच्छा आया है। थोड़ी सी इलायची पाउडर ऊपर से डाल दी है और डेकोरेशन के लिए बादाम रखे थे। तो ये हमारे गुलाब जाम रेडी हो गए हैं। चलिए मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। तब तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें और तंदूरी चाय की रेसिपी भी देखना मत भूलें। तो ये देख सकते हैं अपने आप कितने अच्छे से अंदर से भरे हुए शुगर सिरप से भरे हुए गुलाब जाम मीठे मीठे हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये मैं खा लेती हूँ। तब तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।